My name is Ruchin, and today again we are going to start off with a very new topic, that is on uniform flow. तो आज हम देखेंगे कि uniform flow actually होता क्या है, okay? With respect to HPCL exam, okay? और उससे relevant हम लोग फिर questions देखेंगे. Question किस तरीके का आ सकता है? एक lengthy question लेंगे और उसको देखेंगे. अलग-अलग तरीके से question को किस तरीके से पूछा जा सकता है. So we'll start with uniform flow for HPCL. Alright, so this is uniform flow, which comes under the part of open channel flow. Open channel flow. तो firstly देख लेते हैं कि जब हम flow को बोल रहे हैं uniform flow. When I am calling it a uniform flow. तो uniform flow का मतलब क्या है? Uniform flow का मतलब क्या है? When parameters such as depth, velocity, discharge, etc. does not change with respect to distance, okay, with respect to distance, then the flow is called as uniform flow. कहने का मतलब क्या है? जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा चैनल बेड है. Let us assume कि this is चैनल बेड making an angle of theta, okay, चैनल बेड. अब यहाँ पे देखो, अब हम पहले थे इस सेक्शन पे, एट दिस वन वन सेक्शन, ओके, दो सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, वन वन एंड टू टू सेक्शन, विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ एक्स. एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं, कुछ भी डिस्टेंस रहा होगा, एंड दिस इज नो वाटर लेवल. अगर वाटर लेवल चेंज नहीं हो रहा है, लेट से पहले डिस्टेंस वाई वन था, ओके, और यहाँ पे हमारा जो डेप्थ है दैट इज वाई टू, और अगर एट एक्स डिस्टेंस, एक्स ट्रेवल करने के बाद में y1 वन इज स्टिल इक्वल टू y2, तो हम क्या बोलेंगे? फ्लो कैसा है? यूनिफॉर्म फ्लो. अभी तो वाटर लेवल हुआ, साथ में देर इज ऑल्सो दिस एनर्जी लाइन, ओके, एनर्जी लाइन, दिस इज नथिंग बट योर, दिस इज नथिंग बट जस्ट v1 square upon 2g, and this is v2 square upon 2g. Okay, v1 square by 2g, और यहाँ पे ये v2 square by 2g. All right, y1 y2, v1 square by 2g, v2 square by 2g. अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ से अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालता हूँ, तो दिस स्लोप इज इक्वल टू एस डब्ल्यू, और अगर हम लोग यहाँ का स्लोप निकालते हैं, सो दिस इज नथिंग बट एस एफ, इसको एस एफ बोलते हैं, ओके, एस एफ, एस डब्ल्यू, एस नॉट, दिस इज कॉल्ड एस नॉट. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनिफॉर्म फ्लो, फॉर यूनिफॉर्म फ्लो, एस नॉट इक्वल टू एस डब्ल्यू इक्वल टू एस एफ, ओके, तीनों के स्लोप्स क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं. और टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है? पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड, दिस इज प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, एंड दिस इज डेटम हेड. ओके, अब इसमें आगे चलते हैं, ये चीज हमें समझ में आ गई. अगर पूरे के पूरे फ्लो में आगे जाते हुए अगर डेप्थ, वेलोसिटी, एरिया, डिस्चार्ज, पेरिमीटर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज सेम, तो हमारा फ्लो कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म फ्लो. ओके, अब आगे चलते हैं, इसी के अंदर देखते हैं, अगर यूनिफॉर्म फ्लो है तो हम लोग डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे? डिस्चार्ज इन अ यूनिफॉर्म फ्लो, ध्यान रहे हम जो मैनिंग्स इक्वेशन पढ़ते हैं, ओके, देयर आर टू रिलेशंस,
एक मैनिंग्स इक्वेशन है और दूसरा चेजेस इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, दोनों के दोनों एप्लीकेबल है ओनली एंड ओनली फॉर यूनिफॉर्म फ्लो एज पर मैनिंग्स इक्वेशन. ओके, मैनिंग्स इक्वेशन डिस्चार्ज इक्वल टू 1/n अंडर रूट आई इंटू एरिया. ओके, अंडर रूट आई इंटू एरिया वेयर Q इक्वल टू डिस्चार्ज, N इक्वल टू मैनिंग्स कॉन्स्टेंट. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि आप ये बताओ कि मैनिंग्स कॉन्स्टेंट के, सिंस इट इज अ कॉन्स्टेंट तो क्या इसका कोई डायमेंशन है, कोई इसका यूनिट है, ये इस पर एक क्वेश्चन बन जाता है. तो आप इससे निकाल सकते हो कि इसका कुछ ना कुछ यूनिट निकल के आएगा, इट इज़ नॉट डायमेंशन लेस. M, this is hydraulic radius given by area upon wetted perimeter I, slope. अब मैंने आपको क्या बताया कि uniform flow में, okay, let's talk about this. मैंने आपको क्या बताया, uniform flow में तीन तरीके के slope होते हैं, there are three slopes. तो हम लोग जो ये इक्वेशन में आई लिख रहे हैं, आई कौन सा स्लोप हुआ, व्हाट काइंड ऑफ स्लोप. तो आई जो स्लोप हुआ है, आई हमारे लिए कौन सा स्लोप है, एनर्जी लाइन वाला स्लोप है. हालांकि आप कोई सा भी ले लो, ये डज नॉट मैटर क्योंकि तीनों बराबर हैं, बट जब पढ़ी रहे हैं तो कॉन्सेप्चुअली आपको करेक्ट पता होना चाहिए. आई चैनल बेड का स्लोप नहीं होता, वो किसका स्लोप होता है, एनर्जी लाइन का स्लोप होता है. ओके, अब ए, कैपिटल ए क्या है, एरिया ऑफ फ्लो, सिंपल एरिया ऑफ फ्लो. एक हमारे लिए होता है मैनिंग्स इक्वेशन, दूसरा जो मेथड होता है दैट इज चेजेस इक्वेशन. चेजेस इक्वेशन, ओके, सो एज पर चेजेस इक्वेशन सी अंडर रूट एम आई, अगर हमें डिस्चार्ज निकालना है तो वेलोसिटी इनटू एरिया सी अंडर रूट एम आई इनटू एरिया. ऑलराइट, देखते हैं आगे. अब इसके अंदर क्या है, असम्पशन से क्या, डिस्चार्ज इक्वल टू वी इनटू ए, दैट इज इक्वल टू सी अंडर रूट एम आई इनटू एरिया. ऑलराइट, ओके, अब आगे चलते हैं. देखो इनके असम्पशन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्लो शुड बी uniform flow. Okay, flow should be uniform flow. Secondly, laminar हो तो ज़्यादा अच्छा है. Okay, ideal conditions बन जाती हैं. अब इस पर, इस पर based एक नया term हमें और सीखना है. वो नया term क्या है, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल. और इस पर बेस्ड हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल. देखो कोई रेक्टेंगुलर चैनल है ऐसा, ओके, इसका विड्थ है बी और यहाँ पे इसका वाटर का डेप्थ है लेट्स से वाई. ओके, अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालता हूँ या फिर हाइड्रोलिक रेडियस निकालता हूँ, दैट इज इक्वल टू ए अपॉन पी, एम इक्वल टू ए अपॉन पी. ऑल राइट, एरिया कितना हो जाएगा, बी वाई. वॉट इज पेरीमीटर इक्वल टू, पेरीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू दिस लेंथ प्लस दिस प्लस दिस, दिस इज बी प्लस टू वाई. बट व्हेन आई टॉक अबाउट वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, ओके, व्हेन आई टॉक अबाउट वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है, ये बी है और ये वाई डेप्थ. एम कितना आएगा, एरिया अपॉन पेरीमीटर. एरिया कितना है, बी वाई अपॉन पेरीमीटर, दिस विल बी इक्वल टू बी प्लस टू वाई. अब सिंस ये वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है, ओके, सिंस इट इज अ वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, तो वाइड रेक्टेंगुलर चैनल की खास बात क्या है, विड्थ इज मच 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 ग्रेटर देन वाई. मतलब विड्थ होगी कुछ किलोमीटर्स में, एक किलोमीटर दो किलोमीटर विड्थ होगा और डेप्थ होगा हार्डली 50 मीटर्स 100 मीटर्स, दैट्स इट. ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पे इसको आई कैन जस्ट आइडियली राइट एज बी प्लस टू वाई इज नियरली इक्वल टू बी ओनली. ओके, तो यहाँ पे m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू ओनली y. ऑलराइट, ओनली डेप्थ. तो आपको एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इन केस ऑफ वाइड रेक्टेंगुलर चैनल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक रेडियस. अब यहाँ से एक चीज ध्यान आती है, ये हाइड्रोलिक रेडियस है, एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक डेप्थ विच इज इक्वल टू एरिया अपॉन टॉप विड्थ. ओके, एरिया अपॉन टॉप विड्थ. व्हाट इज हाइड्रोलिक रेडियस, ध्यान रखेंगे इस चीज को, व्हाट इज हाइड्रोलिक रेडियस, दैट इज इक्वल टू एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर. ओके, एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर. हाइड्रोलिक डेप्थ क्या है, एरिया अपॉन टॉप विड्थ. तो आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में पूछा क्या है. अब हम लोग एक क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. देखो, फॉर अ पाइप ऑफ रेडियस आर फ्लोइंग हाफ फुल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी द हाइड्रोलिक डेप्थ इज. ओके, अच्छा चलिए ठीक है. अब एक्चुअली इसके अंदर मैं आपको सर्कल वाला पार्ट नहीं बताया. ओके, सर्कल वाला पार्ट नहीं बताया, इसको एक काम करते हैं. फॉर अ पाइप की जगह हम लोग ले लेते हैं एक रेक्टेंगुलर चैनल. ओके, दिस इज बी और यहाँ पे दिस इज वाई. ओके, क्वेश्चन को आई एम जस्ट मॉडिफाइंग इट अ बिट, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं. फॉर अ पाइप ऑफ रेडियस आर की जगह इसको ऐसा कंसिडर करते हैं. लेट्स टेक इट ऑन अ न्यू स्लाइड. अच्छा देखो, अगर आपको ऐसा दे रखा है एक रेक्टेंगुलर चैनल है, बी विड्थ और यहाँ पे है वाई डेप्थ. ओके, बी और वाई डेप्थ, बी विड्थ है, वाई डेप्थ है. आपको ये बताना है व्हाट इज हाइड्रोलिक डेप्थ एंड व्हाट इज हाइड्रोलिक रेडियस. ओके, तो हाइड्रोलिक डेप्थ किसके बराबर होता है, एरिया बाय टॉप विड्थ. एरिया कितना हो जाएगा, एरिया विल बी इक्वल टू बी वाई और टॉप विड्थ किसके बराबर है, यहाँ पे बी के ही बराबर है. ओके, तो ये कितना आ जाएगा, वाई रेक्टेंगुलर की. वैसे आप लोगों को ट्राइंगुलर आ सकता है, कैसा भी शेप आ सकता है. ओके, अब यहाँ पे इधर आते हैं, एरिया अपॉन पेरीमीटर. ओके, एरिया अपॉन पेरीमीटर, एरिया कितना हो जाएगा, बी वाई. वॉट इज पेरीमीटर, बी प्लस टू वाई. पेरीमीटर इज बी प्लस टू वाई, आया समझ में, इसका करेक्ट आंसर क्या है ये. अब आते हैं उसी क्वेश्चन पे, दैट विल मेक यू अ बिट इजी, थोड़ा आसान हो जाएगा. सो सबको डिलीट कर देते हैं. ऑलराइट, अब देखें यहाँ पे, फॉर अ पाइप ऑफ रेडियस आर, एक पाइप है जिसका रेडियस कितना है, आर, यानी उसका डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर मान लेते हैं कुछ हो जाएगा 2R. ओके, फ्लोइंग हाफ फुल, हाफ फुल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी द हाइड्रोलिक डेप्थ. हाइड्रोलिक डेप्थ कितना होता है, एरिया अपॉन टॉप विड्थ. हमेशा ध्यान रखेंगे एरिया अपॉन टॉप विड्थ, बहुत बार पूछा है. व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस फ्लो, एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय टू. हाफ फ्लो कर रहा है, पाई आर स्क्वायर कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है, हाफ का कितना, पाई आर स्क्वायर बाय टू. व्हाट इज टॉप विड्थ, क्या ये टॉप विड्थ 2R के बराबर है डायमीटर के, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2R. इसे सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी पाई आर बाय 4. तो करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे हमें दिख रहा है पाई आर बाय 4. बोल रही पाई आर बाय 4. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल डेप्थ इन अ वाइड रेक्टेंगुलर चैनल. क्या बोला है, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल. नाउ फॉर अ वाइड रेक्टेंगुलर चैनल कैरिंग 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ डिस्चार्ज एट अ बेड स्लोप ऑफ 0.0004. ऑलराइट, नॉर्मल डेप्थ हमें निकालनी है. लेट्स से इसका बी विड्थ है और वाई इसका डेप्थ है. ओके, क्या करेंगे, 1 अपॉन एन एम टू द पावर 2 बाय 3 अंडर रूट आई इनटू एरिया. ओके, अंडर रूट आई इनटू एरिया क्या करेंगे,
डिस्चार्ज इज 0.5 वन अपॉन एन, एन कितना दे रखा है 0.01। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हमें हाइड्रोलिक रेडियस निकालना होगा, एम इज हाइड्रोलिक रेडियस फॉर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, किसके बराबर होगा, एरिया इज बी वाई, पेरीमीटर ऑलमोस्ट इक्वल टू बी ओनली, ओके पेरीमीटर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू बी ओनली, तो दिस इज इक्वल टू वाई, तो यहां पे रख देते हैं वाई, अंडर रूट आई कितना है, आई इज 0.0004 इंटू व्हाट इज द एरिया, दैट इज इक्वल टू बी वाई। व्हाट इज द नॉर्मल डेप्थ इन अ वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ डिस्चार्ज, ऑलराइट। अब यहाँ पे विड्थ की कोई बात नहीं हो रही है, एक्चुअली विड्थ देना चाहिए, एरिया किसके बराबर हो जाएगा, b इंटू वाई। अब हम लोग निकाल लेते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, कंसीडरिंग b को 1 मीटर हम लोग कंसिडर करते हैं, बिकॉज यहाँ पे b दे नहीं रखा है, ऑलराइट। तो हम लोग यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, दिस विल बी y टू द होल पावर 2/3 + 1 5/3 इंटू अंडर रूट 0.0004। इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास y का एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो y का वैल्यू आएगा 0.435 मीटर, ऑलराइट। नाउ दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन ऑन पर्पस टू टेल यू कि अगर आपको b ना दिया हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे, एचपीसीएल में इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, ऑलराइट। तो आंसर क्या है, 0.43 मीटर। तो आपको वहां पे आपका लॉजिक यूज करना है, कॉमन सेंस यूज करना है कि आप आंसर किस तरीके से निकालोगे, रादर देन लीविंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपको दिख रहा है क्वेश्चन कितना आसान है, आंसर बहुत आसानी से आता है। बी आपको 1 मीटर लेना था, यहाँ पे दिया नहीं था। एक चीज और हो सकती थी यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको ये जो डिस्चार्ज है वो ये दे सकते थे 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर विड्थ, इस तरीके से भी आपको हो सकता है दिया हो, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यूनिफॉर्म फ्लो कैसा हो रहा है। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद समथिंग एल्स, मे बी एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप।